हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकिता मुखर्जी, एकेडमिक काउंसलर ऑफ ब्लॉसम ग्लोबल एजुकेशन। सो इन दिस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट मेन कैंपस ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी व्हिच इज सिचुएटेड इन कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान मींस ताशकंद। सो मेक श्योर डोंट स्किप एनी पोर्शन ऑफ दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी का है उसका ओवरव्यू कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर कितना फी है और लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरीज कैसा है, एनएमसी का रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आवर सर्विसेज एंड वेदर। ताशकंद मेडिकल एकेडमी इज सिचुएटेड इन ताशकंद एंड इस ताशकंद मेडिकल एकेडमी का बहुत सारे ब्रांच है, पर इस वीडियो में हम लोग जो मेन कैंपस है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 100 इयर्स अबव है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलेगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेंगे इन फ्यूचर, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये ताशकंद। जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाई द उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट एंड इट्स कम्प्लीटली गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें इंडियन एयरपोर्ट से ताशकंद तक, तो 3 घंटे की दूरी है दिल्ली एयरपोर्ट से ताशकंद तक, और वहाँ का जो वेदर है वो -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर स्टूडेंट मतलब जो भी कॉलेजेस है और जो बिल्डिंग्स है वो सेंट्रली हीटेड है, तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पर रहते हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उज्बेकिस्तान में, सब मेडिकल कॉलेज एनएमसी का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करता है। मतलब इफ आई टॉकिंग अबाउट द एमबीबीएस ड्यूरेशन, दैट इज 6 इयर्स एंड मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस, तो उज्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ता है, स्टूडेंट को डायरेक्ट वो लोग लाइसेंस प्रोवाइड करता है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स। फीस जो होता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी का वो बहुत ही चीपर है। मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी और वीजा एक्सटेंशन फी सब कुछ मिलाकर, हॉस्टल मिलाकर टोटल जो बजट रहता है वो करीब 26 लाख के अराउंड होता है। और पर इस बजट में हम लोगों ने आप लोगों का जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं किया है। इफ आई टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी, देन लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी ताशकंद का सबसे पुराना लाइब्रेरी है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में, और बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारे बुक है और स्टूडेंट को मतलब नॉलेज इंक्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज बहुत बड़ा प्लेस के ऊपर है, और लेबोरेटरीज में जो इक्विपमेंट्स यूज किया जाता है और जो भी एपरेटर्स यूज किया जाता है वो हाई टेक्नोलॉजिकल है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी में फर्स्ट हाफ में ही ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पर पहले स्टूडेंट के लिए सिमुलेटर्स के ऊपर स्टूडेंट काम करते हैं। आफ्टर दैट जब स्टूडेंट साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाता है, मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, आफ्टर दैट स्टूडेंट को ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड किया जाता है एनाटॉमी के लिए। ताशकंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का जो फैसिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सेकेंड ये एनएमसी का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहा है, थर्ड है कि यहाँ पर लाइसेंस लिए कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, फोर्थ है ये लोग ज्यादा करके मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा फोकस करते हैं। इसका जो सिलेबस है वैसा ही है, मतलब इंडिया का जो सिलेबस है उसके साथ तो सेम ही है, पर फर्स्ट जो 3 इयर्स रहता है ना, फर्स्ट 3 इयर्स में वो लोग थियोरिटिकल प्रेशर ज्यादा देते हैं और प्रैक्टिकल प्रेशर कम देते हैं। मतलब अगर 70% थियोरिटिकल में वो लोग फोकस करते हैं और 30% प्रैक्टिकल साइड में फोकस करते हैं, पर लास्ट जो 3 इयर्स है उसमें वो लोग 70% प्रैक्टिकल में फोकस करते हैं और 30% थियोरिटिकल बेस में फोकस करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज ताशकंद मेडिकल कॉलेज का खुद का 3 हॉस्पिटल है, तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ से, और स्टूडेंट अगर चाहे
और भी हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ताशकंद मेडिकल एकेडमी के साथ 11 और हॉस्पिटल है जो मर्ज हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड दो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेकिंग एडमिशन इन उज्बेकिस्तान, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग उज्बेकिस्तान, दे कैन मेंशन इन कॉमेंट सेक्शन, और दे कैन कॉन्टैक्ट अस विथ मेंशन नंबर एट दे एंड दे कैन व्हाट्सएप अस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग अदर्स कॉलेजेस ऑफ उज्बेकिस्तान, दे कैन मेंशन इन कॉमेंट सेक्शन। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।